ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है अधिक मास का तीसरा दिन। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारे घर से कर्ज खत्म हो ही नहीं पा रहा है। हम लोग का एक कर्ज खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है, धन की समस्या बिल्कुल नहीं खत्म हो रही है, हम लोग क्या करें? तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। बस पीपल के पत्ते के ऊपर नाम लिखना होगा और आपकी जो भी समस्या होगी धन की या फिर कर्ज की, वो दूर ज़रूर होगी। ठीक है, बहुत ही आसान सा उपाय है, समझिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पीपल का पत्ता, दिख रहा है ना आपको? तो आपको लेना होगा मात्र एक पीपल का पत्ता, बहुत ज्यादा नहीं, मात्र एक पीपल का पत्ता लेना। ठीक है, साथ ही साथ हमें लेना होगा इस तरीके से कुमकुम। कुमकुम और सिंदूर में डिफरेंस होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हमें लेना होगा कुमकुम, ले लिया। अब इस कुमकुम से क्या करेंगे, जो एक पीपल का पत्ता आपने लिया है, जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम इस पीपल के पत्ते पर लिखोगे। किसका नाम लेकर के? रतिमान भगवान का नाम लेके। कौन से भगवान? रतिमान भगवान का नाम लेके जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम पीपल के पत्ते पर उस कुमकुम से लिख देंगे। ठीक है, ये उपाय गुरु जी की कथा से ही है। ठीक है, जिसको डाउट होगा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा गुरु जी के, वरना बहुत लोग को डाउट हो भैया गलत बता रहे हो ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, जब भी बताऊंगा सही बताऊंगा। ठीक है, नाम लिख दिया। उसके बाद इस पीपल के पत्ते के ऊपर को आपको किसी भी, कोई भी नदी आपके घर के आसपास बहती हो, उस बहती नदी में ले जाकर के रतिमान भगवान के नाम से आपको छोड़ देना है। उस वो व्यक्ति आपके घर पे 15 दिन में पैसा आपका घर तक वापस दे के जाएगा, इतनी ताकत होती है इस एक छोटे से उपाय की। तो कल बहुत प्यारा सा दिन है, तो ज़रूर करिएगा। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छा, बहुत छोटी वीडियो बनाई है, बस ध्यान रखना कि आपको उसी व्यक्ति का नाम लिखना है। पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा, मान लो कोई गुप्ता है, कोई क्या नाम है, क्या नाम है, तो आपको उनका सरनेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे का नाम लिख देना और आपको रतिमान भगवान का स्मरण करके और कोई भी नदी तालाब सरोवर में ले जा करके उस पीपल के पत्ते को प्रवाहित कर देना, वो व्यक्ति आपका पैसा घर तक दे के जाएगा। नाम याद रखना, कौन सा नाम है? रतिमान भगवान का नाम लेना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमने बात कर ली है कर्ज मुक्ति के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको फ़ोन में बातें करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर मैं आप सभी से फ़ोन पर भी बातें किया करूँगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।